आज हम आपके सामने बात करेंगे GDM के बारे में। GDM का मतलब होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ना। ये बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं। इसके मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है या फिर जो बैकग्राउंड होता है उसमें ये होता है कि यदि कोई फीमेल है जिसके परिवार में पहले से किसी को डायबिटीज़ है, फीमेल का वज़न बहुत ज़्यादा है, उसका BMI ज़्यादा है, उसका लाइफस्टाइल ख़राब है, शुगर्स उसके प्रेगनेंसी में बढ़ रहे हैं पर उसको पता नहीं है, या तो वो नियमित या रेगुलर चेकअप नहीं कर रही है। प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। यदि उसमें प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है तो शुगर पहले से भी बढ़ सकते हैं और बाद में प्लेसेंटा यानी कनेरी जो होती है या प्रेगनेंसी की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुगर बढ़ता है। हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उसमें ये है कि टाइमली एंटीनेटल चेकअप्स करके इन शुगर की वैल्यूज़ को हम ध्यान रखें। यदि फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई है या 2 घंटे बाद की शुगर 200 से ज़्यादा है तो यह बहुत अलार्मिंग है और इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी में शुगर्स बढ़े हुए होते हैं तो इसमें बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता है और माँ की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चा बड़े साइज़ का हो सकता है, गर्भाशय में पानी ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई भी कंजेनाइटल एनोमली या फिर जन्मजात विकृति हो सकती है, डिलीवरी के समय बच्चा फंस सकता है या फिर उसको चोट पहुँच सकती है। माँ को आगे जाके Type 2 डायबिटीज़ मतलब परमानेंट डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, आगे जाके उसको BP बढ़ने की संभावना बढ़ती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे सिजेरियन सेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। सो बेसिकली हमको GDM में क्या देखना है, एक तो हमें एंटीनेटल चेकअप अच्छे से करवाना है। उन एंटीनेटल चेकअप में हमारी जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख सकते हैं या आपको लाइफस्टाइल चेंजेस और खाने में चेंजेस बोल सकते हैं। इसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि प्रेगनेंसी में और बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। या GDM जो होता है इसमें डिलीवरी का भी बहुत ध्यान रखना होता है। हमें डिलीवरी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में या फिर टर्शरी केयर सेंटर में ही करवाना है, हमें कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवानी है क्योंकि डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग होने के चांसेस है, बच्चे के सांस लेने में दिक्कत होने के चांसेस होते हैं और उसके अलावा सिजेरियन के भी चांसेस बढ़ते हैं। GDM के बाद भी हमें डिलीवरी के बाद भी फीमेल को ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है बाद में भी उसकी शुगर बढ़े। सो बेसिकली GDM मतलब प्रेगनेंसी के समय जो बढ़ते हैं शुगर, उसको हमें लाइटली नहीं लेना है। यदि किसी भी फीमेल का शुगर बढ़ा हुआ होता है तो इन सारे परिणामों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको ट्रीटमेंट लेना है और पूरा इलाज लेते हुए आगे भी अपने शुगर को कंट्रोल करना है। धन्यवाद।